राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। पंजाब में हुई पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पूरे देश में रोष, इसी को लेकर मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम बिरासी के महाराणा प्रताप चौक पर विश्व हिंदू परिषद बजरंगदल के कार्यकर्ताओं ने पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री एवं पंजाब सड़क सरकार का महाराणा प्रताप चौक पर पुतला दहन किया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सोनवीर सिंह एवं बजरंग दल के सह संयोजक मोहित कुमार, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष विकास आर्य एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के ग्राम बिरालसी में, जहाँ पर आज विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया है। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद है जिन्होंने आज पंजाब सरकार का पुतला फूंका। जानते हैं क्या मामला था सर? क्या मामला था पंजाब सरकार का पुतला फूंकना? जो पंजाब सरकार ने कायराना हरकत की है भारतीय जनता पार्टी के और भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ में, उसे लेके आज हमने कांग्रेस सरकार का पुतला फूंका है और राष्ट्रपति से मांग की है कि वह राष्ट्रपति शासन लगा के जो भी घटना में शामिल है सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी एक बयान आया था राकेश टिकैत जी का कि प्रधानमंत्री ने तो चुनावी संट खेला, इसमें क्या कहोगे? उसे राकेश टिकैत ज्यादा अच्छे से बना सके जी, बता सके तो राकेश टिकैत के साथ जुड़ा। राकेश टिकैत जी ने कल ही एक बयान जारी किया था कि जो प्रधानमंत्री के वहाँ चुके वहाँ तो बीजेपी के आदमी थे, परंतु वहाँ पर जो पहला वीडियो वायरल हुआ था उसमें केवल एक गाड़ी खड़ी थी। उसने बताया था कि ये गाड़ी, मैं आम इंसान हूँ, गाड़ी खड़ी है, यहाँ प्रधानमंत्री रोड पर खड़े हैं, परंतु राकेश टिकैत जी ने कहा है कि ये तो एक चुनावी स्टंट है। राकेश टिकैत जी इस बात को ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। राकेश टिकैत जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप राजनीति करें और चुनाव लड़े प्रधानमंत्री जी के सामने, समझ आ जाएगा कहाँ कुर्सी खाली थी और कितने आदमी थे। चलो देखा, आपने लोगों ने बताया कि राकेश टिकैत जी अपने आप ये एक अपना बयान दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ विजय वो बजरंग दल के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, मोहित जी हैं। देश का दल, देश का दल, भारत माता की जय। जो मोदी जी के साथ हुई, ये केवल मोदी के साथ नहीं, पूरे भारत, पूरा भारत साथ है, पूरे भारत के हिंदू समाज को बदनाम करते हैं, भारत को कहते हैं, जो पंजाब को पंजाबियत के बदनाम करने कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप कांग्रेस सरकार पूरा भारत को बदनाम करने की कोशिश करती है। एक ऐसे शख्स को पूरा संसार जो शीर्ष नेता के पद पर स्वीकृत करता है, मानता है, और कांग्रेस उसे एक बदनाम करने की कोशिश करती है, उसके हत्या की साजिश की गई। हम बिल्कुल खुलेआम कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज जो भी अपना पुतला फूंका है उनके विरोध में फूंका है, और हम कहते हैं इसका बर्खास्त की मांग करते हैं। ये सरकार बिल्कुल ले रहे, राष्ट्रपति शासन लगा जाए और जनता को, वह जनता को बड़ा मोदी से बड़ा प्यार है, जनता को मोदी से बहुत प्यार है। मैं कहता हूँ मोदी ही दोबारा आने वाले हैं और आ करके रहेंगे। साथ यही विश्व हिंदू परिषद के जो जिला मंत्री सोनवीर सिंह है, उनसे बात करता हूँ कि आज आपने जो यहाँ पर बिरालसी के महाराणा प्रताप चौक पर जो पुतला दहन किया है जिसमें भारी प्रशासन मौजूद था, किस बात को लेकर आपको पुतला फूंकना पड़ा? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब सरकार एवं उसके प्रशासन ने इस विश्व के प्रख्यात नेता आदरणीय मोदी जी के साथ एक कायराना हरकत की, और हरकत ऐसी जिस आदमी के लिए पूरे देश की जनता प्रार्थना करती हो कि ये आदमी चिरंजीवी हो, हमेशा स्वस्थ रहे, ताकि अपना राष्ट्र भी सुरक्षित रहे। और इन लोगों ने, गंदी विचारधारा के लोगों ने इस महान व्यक्ति को मारने का प्रयास किया, परंतु ये भारत माँ का बेटा है, ऐसे ही नहीं मरने का, ये इन कायरों को मार कर मरेगा। बोलो जय श्री राम। जैसा कि आपने देखा कि आपके मुजफ्फरनगर के राकेश टिकैत जी ने जब एक बयान जारी किया था कि प्रधानमंत्री ने जो वहाँ जो उनका किसानों ने काफिला रोका था उसको लेकर बयान जारी किया कि उसने एक चुनावी स्टंट खेला है मोदी जी ने, इसमें क्या कहो? राकेश टिकैत खुद ही चुनाव नहीं जीत पाए, वे चुनाव को जानते ही नहीं, और आदरणीय मोदी जी चुनाव से तो कई गुना बढ़कर ऊंचे स्थान पर है, देवतुल्य हैं आदरणीय मोदी जी। राकेश टिकैत हर के हैं, खालिस्तानी विचारधारा के लोग हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। 2 बीघे से 2000 बीघे प्रॉपर्टी होने लग रही है इनकी। 2000 बीघे कहाँ से होगी भाई, कहाँ से मशीन आई हुआ मोदी जी के पीछे, बता दो है क्या कुछ कोई प्रॉपर्टी बड़ी हो? आज 8 साल प्रधानमंत्री होने को हो रहे, 6-7 साल तो हो ही गए, कुछ किसी का छापा लगा हो या कुछ, इनके तो इतने सारे उद्योग चल रहे,
बता दो कहाँ तक लाया है ऐसी मशीन। चलो जो भी था, आज आपने प्रधानमंत्री को उसमें मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री का जो पुतला फूका है उसको लेकर हिंदू समाज एक नेतृत्व, क्या आप आने वाले समय में कांग्रेस को वोट करेंगे? कांग्रेस को वोट गांव में भी नहीं घुसने देने के, गांव में घुस के बहुत बुरा हाल करेंगे, बहुत बुरा हाल करेंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज विरालची के महाराणा प्रताप चौक पर पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार का पुतला फूंका। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ संजीव कुमार, राजपत्र टीवी।